गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस सीरीज एच में मैं कैसे चाइना से कंपीट करना उसके बारे में बताऊंगा। तो भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा कपलेट्स कहा गया है, तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य विधाता, जैसी लिखेगा कर्मों की लेखा, देना होगा तुझे तीन तीन का लेखा। आज तू जिसको अच्छा समझे, जान ले उसका कल क्या है, सोच ले उन राहों पे चलने से पहले, उन राहों की मंजिल क्या है। जो भी किया है वो आगे आता, तू इतना सोच भी न पाता, जैसी लिखेगा कर्मों की लेखा, देना होगा तुझे पल पल का लेखा। दोस्तों, 1998 तक चाइना और इंडिया अगर कंपेयर करें तो चाहे वो लार्ज स्केल स्टील प्लांट रहे हों इंटीग्रेटेड, या मिनी स्टील प्लांट रहे हों, या इंडक्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी, या हॉट ड्राइंग, कोल्ड ड्राइंग, पियर्सिंग, वेल्डेड, सीमलेस, पाइप मैन्युफैक्चरिंग, तो जितनी भी टीडीएस प्रोसेस थी, या तो हम चाइना से एडवांस थे या नेक टू नेक चल रहे थे। लेकिन 98 से 2008 तक महज 10 सालों में चाइना ने इतना ज़्यादा गैप कर लिया। तो सारा दोष हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग और कॉपी पेस्ट करके किया। उसके लिए उन्होंने उस सिविलाइजेशन ने, उनके डिसीजन मेकर्स ने बहुत सारे अच्छे डिसीजन लिए, इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को उन्होंने अपने सोसाइटी का एक पार्ट एंड पार्सल बना लिया। आज कोई भी मेटल, स्टील और एल्यूमिनियम ही नहीं, या इंजीनियरिंग की कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं है जिसमें चाइना वर्ल्ड का पावर हाउस न बना हो। तो डेलिबरेटली मैं ये हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 30 साल का और प्रिसाइजली 20 साल का जो डेवलपमेंट है, वो आने वाले और 20 साल में बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरस और ये हो जाएगा। ट्रेचरस कैसे? सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ में जो सोशल चेंजेस आए हैं उसे आप परसीव करिए, और उसके लिए जो मेरा पेटेंट्स है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, सुविधाएं अर्बन सेंटर में ही ज़्यादा बढ़ रही हैं, और छोटे छोटे कस्बों से और गांव से शहर की तरफ पलायन बढ़ रहा है, और जो शहर में हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती, वो एक कंफर्ट जोन देखती हैं। तो जैसा मैंने कहा है कि आज तो जिसको अच्छा समझे, सोच ले उसका कल क्या है। आज जो आप टेक्नोलॉजी ले रहे हो उसका सोशल इम्प्लीकेशन क्या आएगा, उसका आगे आने वाले जनरेशन आपकी अडॉप्ट करेगी, आप सोशली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अभी तक ए बी सी डी ई एफ जी में मैंने मोर और लेस जो है आपको फाउंड्री क्लस्टर और मिनी स्टील प्लांट के बारे में बताया, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल और अल्टरनेट फ्यूल के बारे में बताया, और एडवांटेज ऑफ माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस बताया, 100% रिसोर्सेस को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ ले जाना उसके बारे में बताया, और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और कैसे फाउंड्री के क्लस्टर बना सकते हैं उसके बारे में बताया, और 2x से 4x पर क्यूबिक मीटर या उससे भी प्लस प्रोडक्शन कैसे ले जा सकते हैं उसके बारे में बताया, और अब मैं कंपीटिंग विद चाइना के बारे में बता रहा हूँ।
आने वाले जो दूसरे तीन सीरीज हैं उसमें पोल्यूशन कंट्रोल और एग्जिस्टिंग ब्लास्ट फर्नेस जो बड़ी हैं उनको 3 to 18% कैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, और आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, ये मेरी टोटल नेक्स्ट दूसरी तीन सीरीज होगी। तो दोस्तों ये समझिए, माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस अर्बन सेंटर के नज़दीक कुछ एकर लैंड में प्रस्थापित किया जा सकता है। नंबर वन, यह क्यूपोला का एक मॉडिफाइड स्वरूप है। तो छोटे में छोटा ब्लास्ट 72 इंच की या 96 इंच की क्यूपोला का जिस तरह ऑपरेशन होता था उसी तरह से इसका ऑपरेशन हो सकता है, उसी तरह से इसके प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। नंबर वन। नंबर टू, पॉल्यूशन काफ़ी प्रिसाइज और वेल कंट्रोल्ड है, जिससे आने वाले समय में आप समाज के प्रति उत्तरदायी रहते हुए आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। नंबर थ्री, चार्जिंग के लिए जो क्यूपोला का स्किप चार्जर का मेथड है वो और थोड़े ऑटोमेशन की ही मात्र जरूरत है। नंबर चार, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी, जैसे क्यूपोला में आप 9 to 12 kg का रेशियो लेकर के चलते हैं पर 100 kg, तो इसमें भी पर टन आप 100 kg के रेट में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इन्वेंशन में मैंने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, गैस इक्वेशन और एवोगाड्रो नंबर का यूज़ किया हुआ है, जिससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। नंबर पाँच, इसमें आप क्यूपोला की तरह ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में चालू करके एक थर्मल स्टेबिलिटी आने के बाद में रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रदान कर सकते हैं। नंबर सात, इसका बैंकिंग करना और रीस्टार्ट करना बहुत ही इजी है। नंबर आठ, इसमें रिफ्रैक्टरी कॉस्ट और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस के काफ़ी कम है। नंबर नौ, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल से लेकर के स्पेस का रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। नंबर नाइन, आप रिसोर्सेस, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है लिक्विड मेटल, वो आप 100% कंज्यूम कर सकते हैं लो वॉल्यूम होने के लोग कारण। नंबर टू पे हाई कैलोरीफिक गैस आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं अपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में और एग्जिस्टिंग प्लांट में। रिफ्रैक्टरी को आप रीयूज़ और री एम्प्लॉय कर सकते हैं। वाटर 100% रिसाइकल कर सकते हैं और स्लैग आपको एक वैल्यूएबल कंपोनेंट की तरह सीमेंट प्लांट में आप दे सकते हैं। इवन रिफ्रैक्टरी बनाने में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये अर्बन सेंटर के नज़दीक कम जगह पे प्रस्थापित करके आप बना सकते हैं, जिसके कारण आने वाले समय में आप क्वालिटी मैन पावर को एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं और एक्सपांशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस से आपको प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रोसेस पैरामीटर, प्लांट ऑपरेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रनिंग मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट, ओवरऑल प्रोडक्ट वेरिएशन, इन सब में काफ़ी वैरायटी पॉसिबल है, जिसके कारण आपको विंडफॉल प्रॉफिट पॉसिबल है। अगेन मैं कहूँगा, भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप में शेयर करिए, अवेयरनेस बढ़ाइए, और यही एक मेथड है कि जिसके जरिए हम आने वाले समय में चाइना को डिफरेंट पाथ पे कम्पीट कर सकते हैं और इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है। थैंक यू।